गाइज ये कृष्ण भगवान है या राधा है मुझे समझ में नहीं आता। ये कितनी नटखट हो गई देखो। दूसरा साल है ये अभी सांदी का, जन्माष्टमी का। और ये देखिए गाइज। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है दोस्तों मंडे और आज जन्माष्टमी भी है, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज रात के 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होगा, तब जन्माष्टमी मनाएंगे। और इस जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत सारी तैयारी हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि तैयारी क्या क्या चल रही है। तो गाइस, मम्मी का तो है आज उपवास, मम्मी और काजल का। और मम्मी का जन्माष्टमी जो है ये काफ़ी फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि मम्मी कृष्ण भगवान की काफ़ी ज़्यादा पूजा और पाठ करती है। तो कृष्ण भगवान को मम्मी ने झूले पर सजा के रखा हुआ है, झूले को एकदम तैयार करके रखा हुआ है। जैसे ही 12 बजेंगे हम आरती करेंगे, मम्मी और काजल अपना उपवास तोड़ेगी। आप देख सकते हैं थोड़ी हालत ख़राब है मम्मी की, है ना मम्मी? थोड़ी हालत ख़राब है, मजाक कर रहा हूँ। मम्मी की हालत ख़राब नहीं है, सब लोग नॉर्मल है। यहाँ पे काजल से भी पूछ लेते हैं। काजल कैसा लग रहा है तुझे? उपवास है तेरा आज, भूख लग रही है? भूख नहीं लग रही है। ओके, तो मम्मी और काजल जन्माष्टमी जब स्टार्ट होगी रात के 12 बजे, उसके बाद पूजा करके अपना उपवास तोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। पर पता नहीं वैसी करेंगे कि नहीं। वैसी करने वाले आप लोग? हाँ, जल्दी खाने वाली है काजल, जल्दी खाने वाली गाइस। और मम्मी 12 बजे के बाद खाएगी दोस्तों। और मम्मी ने बताया है, आपको बताया था मम्मी ने क्या क्या बनाया। मम्मी बना रही है इस वक्त मटर पनीर, पनीर मम्मी ने काट के रख दिया है। मटर का साग जो है वो अभी पक रहा है। और काजल रोटी बना रही है, और साथ ही साथ दोस्तों मम्मी ने बनाया है खीर। ये देखिए, वाह, मम्मी खीर बहुत अच्छे तरीके से बनाती है। खास करके जन्माष्टमी के दिन लट्टू गोपाल को खिलाने के लिए मम्मी हम लोग को इतना नहीं खिलाएगी जितना लट्टू गोपाल को खिलाएगी। मजाक कर रहा हूँ गाइस। ये देखो, ये सानवी चढ़ गई उधर। सानवी, नो 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 गाइस, ये कृष्ण भगवान है या राधा है मुझे समझ में नहीं आते, क्योंकि इसकी जो मस्तियां है ना वो बज गया अभी। वो उसमें सब तेल वेल रखा था तूने, गिर जाता अभी। तेल नहीं था, घी है। घी है भाई साहब, मम्मी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। माँ आज मैं तेरी पिट्टी करती अगर घी होती। देखो गाइस कितनी नटखट हो गई, कितनी नटखट हो गई देखो। आराम से हाथ लगा दिया था इसने। हाँ, उस पे ढक्कन पे हाथ लगा ही रही थी। सानवी और दादी की मस्ती तो दोस्तों यूं ही चलती रहेगी। सानवी बहुत नॉटी हो गई है, बहुत ज्यादा दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कैमरा के सामने बहुत बारी दिखती नहीं है इतनी मस्ती खोर, पर एक्चुअली में बहुत मस्ती खोर हो गई है, बहुत नौटंकी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आता भाई, तू कृष्ण भगवान है कि राधा है? सानवी ना बहुत नाटक करती है आजकल, रोने का भी एक्टिंग करती है। अरे पापा, मैं जैसी देखा वो ढक्कन को ऐसी टच करने वाली थी और खींच देती हो, कोई भी मूवमेंट पे खींच देती। ये देखो मेरे पास बचने आ रही है। घी गिरा देती, मेरी मेहनत पानी में गिर जाता तो क्या करती मैं? तो कहाँ से घी खाती? मम्मी ना दोस्तों, घी जो बन रहा है ना घर पे वो सिर्फ सानवी के लिए बन रहा है, हमारे लिए नहीं बन रहा है। अच्छा। मतलब यहाँ वहाँ जाता है घी थोड़ा सा, बट मेजर मम्मी का फोकस यही है कि अपनी पोती को खिलाना है। तो आज रात का जो प्लान है दोस्तों वो भी बहुत तगड़ा है। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, मैंने व्लॉगिंग लेट स्टार्ट की बिकॉज मैं चाहता था जन्माष्टमी की जब तैयारी शुरू हो तब तो आपको दिखा पाओ। अभी देखो दोस्तों, उसने अभी बुक को हेलमेट बना रही है। सानवी क्या कर रहा है बब्बा? सानवी कहाँ कल है बब्बा? सी नौटंकी बाज हो गई ना ये। भाई वो तो ऐसी बस ऐसे पकड़ के ना बस खींचने वाली थी, वो तो देख लिया मैंने। और आवाज भी दे रही है माँ, ऐसा आवाज दे रही कि मैं खींचने वाली हूँ करके, मतलब ये सही है कि हाँ ये सही है कि नहीं, तो चेक भी करती है चीज। मुझे याद ही नहीं, चेक कर दिया उसने, वो बुक भी फाड़
ओ नो सानवी, सानवी तूने बुक फाड़ दिया बाबू। कोई बात नहीं, इधर दे दो। चलाओ अपनी गाड़ी, चलाओ अपनी गाड़ी, चलाओ तुम। तो गाइस लकीली मेरा उपवास तो नहीं है, तो मैं तो खाना खाने वाला हूँ। मेरे ख्याल से काजल भी खाना खा लेगी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, पर अभी उसने सोचा है कि मैं उपवास तोड़ दूँ तो वो मेरे साथ ही खाना खाएगी। बट मम्मी जो है वो 12 बजे ही खाना खाने वाली है, जब लट्टू गोपाल को खिला देगी, उसके बाद मेरी मम्मी खाना खाने वाली है। यहाँ पे सामने तो ना गर्म हो रहा है, तो मुझे ना ऐसे ऐसे ये करने बोल रही है, और मैं रुक रहा हूँ ना, तो अब देखना नाटक कर रही है। अपने फ्रॉक उड़ा रही है, अपने फ्रॉक उड़ा रही है। तो गाइस अभी हम लोग सानवी को तैयार कर रहे हैं, और सानवी की स्पेशल ड्रेस है क्योंकि मम्मी का मानना है कि हमारे घर एक राधा पैदा हुई है, तो मम्मी ने खास करके सानवी के लिए ड्रेस लाया। बताओ मम्मी एक बारी, हर साल लाती है मम्मी? वैसे हर साल लाती है, हर साल मतलब लास्ट ईयर तो पहनाता हूँ तुम्हें, तो दूसरा साल है ये अभी सानवी का, जन्माष्टमी का। और ये देखिए गाइस, मम्मी को चाहिए था कि सानवी कोई रानी कलर या कोई पिंक कलर ऐसा कुछ पहने, और जिसमें शिमरी इफेक्ट्स हो, तो शिमर करे, और वैसे ही मम्मी को लकीली मिल गया है ना। एक ही था ना वो ड्रेस, उसने बोला था आयशा ने। ओ समझ गया मैं, आयशा क्या है? आयशा आयशा आयशा, हां उसने बोला था जेठी मां रानी कलर लेना, और सचमुच मुझे लकीली जैसी गए हम लोग वैसे रानी कलर मिल गया। तो जैसी मम्मी बता रही थी, जैसी शॉप में एंटर कर रहे थे, ये सामने ही पड़ी हुई थी ड्रेस, और उसने कहा कि ये वन पीस है, एक ही पीस है ये, और पीस नहीं है। तो मम्मी को पसंद भी आ गया, और अच्छा अब उस साइज़ फिट हो रहा है कि नहीं वो अभी पता चलेगा, बट देखते हैं। और अभी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे पूजा, आरती कर लेंगे क्योंकि शाम का टाइम है, आरती का वक्त है। जो झूला हिलाते हैं, भोग खिलाते हैं, वो हम 12 बजे करेंगे, अभी फिलहाल आरती कर लेंगे। राधा की ड्रेस अभी पहनाएंगे हम लोग सानवी को। सानवी को ना कपड़े पहना रहे, पर सानवी के नाटक देखो। सानवी सानवी सानू क्या कल है बाबू? सानू चलो चलो कपड़े पहन लो, चलो चलो क्या थी इसको? कपड़ा पहनो, चलो चलो कपड़ा पहनो, मम्मी कपड़ा पहना रही है ना, चलो चलो जल्दी। ये देखिए अभी अभी यहाँ पे कोने में क्या कर रहे हो तुम? लुक्की कर रही हूँ। चलो जल्दी कपड़े पहन लो। तो गाइस देखो यहाँ पे हमारी राधा ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। व्हाट हैपेंड सानवी? क्यूट सी घाघरी है इसकी। सानवी वाओ, सानवीज माला। काजल ऐसा मत करना, उसको सर पे रख। तो मुकुट के साथ सर पे चुन्नी जाएगा और उसके ऊपर मुटकी ये जाएगा, अच्छा लगेगा, ऐसा मत कर। तो गाइस मेरी राधा हो चुकी है रेडी। सानवी वाओ, सानवी लुक सो प्रिटी। ओ सानवी भी बांसुरी बजा रही है, वाओ सानवी का लुक देखो गाइस, कितनी प्यारी लग रही है सानवी। सानवी को ना बजाने नहीं हो रहा ना, तो वो चिढ़ रही है। पर सानवी कितनी प्रिटी लग रही है। Wow, Sanvi looks so pretty. फूक मारो बाबू, फूक मारो, ब्लो करो, ऐसा सिखा उसको, फूक मार।
नहीं बच रहा तो फेंक रही है सन में, ऐसा फूंक मारो, आई ऐसा नहीं, देखो बाबू ऐसा ऐसे करो, ठीक है, पकड़ो, फूंक मारो फूंक मारो फूंक मारो। तो गाइज यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन मम्मी काना और राधा राधा जी के साथ। देखिए कितना ब्यूटीफुल सिनेरियो, सानवी हाँ देखो फूंक मार रही है फूंक मारो, हाँ अभी बचा है सानवी ने, अभी आ गया उसको, फूंक मारो बाबू फूंक मारो, ब्लो करो ब्लो करो। अब वो इरिटेट हो चुकी है। अच्छा 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 सॉरी। ये देखो गाइस मुंबई में हो रही है गर्मी और इसलिए मैं थोड़ा सा एसी ऑन कर दिया और सानवी भी काफी चिढ़ रही है तो हमने उसको चेंज करवा दिया है। फटाफट से आरती कर लेते हैं और फिर खाना खाएंगे और मम्मी जैसे कि हमसे कहा बाद में खाएगी। क्या कर रहे हो ये, किधर जा रहे हो? हम जा रहे हैं मम्मी, ऐसे बिठा मेरे को उतार उसको, ऐसे चलना है उसको, देख उतार, चलो उठो चलो, आ गया डेस्टिनेशन, आ गए हम घूमने, चलो नीचे उतार, नीचे उतार, नीचे रहो, चलो गुड गर्ल गुड गर्ल। चलो हो गया बाय। ये क्या कर रही है तू? उसको मालूम है। तेरा बेड है क्या वो? लाल की जय कन्हैया लाल की, बोल दादी मुझे दे, जय कन्हैया लाल की। इधर आ जा सामने, इधर दादी के साथ ले, सामने पकड़ो 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 पकड़ो, ओह ये पकड़ो, मम्मा करने दे मम्मा। पाल की जय कन्हैया लाल की, जैसे कि आपने देखा रात के 12 बज गए हैं, कृष्ण भगवान जी का जन्म हो चुका है, आप सबको जन्माष्टमी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी एक लास्ट काम बाकी है वो है नारियल फोड़ना, तो कृष्ण भगवान जी का जब जन्म होता है 12 बजे तो एक नारियल फोड़ा जाता है, शुभ माना जाता है, तो ये फटाफट क्रैक कर लेते हैं। तो गाइस अभी रात के 12:15 हो रहे हैं, आपने देखा आज हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी और सानवी के साथ भी खूब सारी मस्ती करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगले ब्लॉग पे बहुत सारी मस्ती है, बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए सी या। वाह गाइस सानवी कितनी प्रीटी लग रही है, सानवी की नजर ना लगे किसी को, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सानवी को किसी की नजर ना लगे।